3, 7, 11, ये तीनों प्लेसमेंट जो है वो राहु की जब भी आती है, मैंने देखा है कि अदर कास्ट और अदर रिलीजन में मैरिज होना, या लोअर कास्ट लोअर रिलीजन में मैरिज होना, या मुस्लिम में मैरिज होना, ऐसा भी तुमको देखने को मिलेगा। केतु का एक नेचर है कि जहां बैठता है वहां पे डिवाइड कर देता है, कट कर देता है, जिस भी प्लेस में बैठेगा वहां पे वो उसके टुकड़े करता है, उसका नेचर है डिवाइड करना। दैट इज हाउ स्कॉर्पियो नेचर इज, स्कॉर्पियो नेचर इज टू डिवाइड। लिब्रा में केतु हो तो या तो पत्नी का लुक्स खराब कर देगा, है ना, कि पत्नी जिस तरह दिखती है तो फिर आप उसको करवा रहे तुम कितनी बेकार दिखती हो, बेकार हो, ऐसा भी कर देता है, क्योंकि वीनस और केतु का कंजंक्शन विल गिव यू मार्क्स। जब भी राहु हो लिब्रा के साइन में, राहु राहु, सो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू हैव अ वेरी ह्यूज नेटवर्क, ह्यूज नेटवर्क। और ये मतलब कि छोटे मोटे नेटवर्क्स की बात नहीं हो रही है, बड़े लेवल पे लोगों को जानने हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन किसको मिलता है नेचुरली? मिलता है लियो लगन को। लियो लगन को नेचुरली अक्वेरियस मिला हुआ है, राहु मिला हुआ है 7th हाउस में, तो ह्यूज नेटवर्क्स की बात हो रही है, मतलब कि नेटवर्क के नेटवर्क के नेटवर्क का एक पूरा चेन है। और इसीलिए हर भी पॉलिटिशियन आदमी का क्या होता है, लियो राजा है, पॉलिटिशियन है, किंग है, ही हैज अ वेरी ह्यूज नेटवर्क ऑफ पार्टीज, कोई ना कोई तो जानता होगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिलेशनशिप आ ही जाएगा। सो दैट इज हाउ अक्वेरियस वर्क्स, बट इट कैन ऑल्सो शो सम लेवल ऑफ लाइक ना इल्यूजन इन मैरिज। इल्यूजन मतलब कि जैसे कि पत्नी रात में देख नहीं सकती थी, आपको बताया गया नहीं, वो इन्फॉर्मेशन शादी करते समय नहीं बताया गया हस्बैंड को, कोई इन्फॉर्मेशन छुपा लेनी कि ये चीज उस तरह से नहीं होगी, क्यों मुस्कुरा रहे बताए। मेरे भाई ने किया ना वैसे, मेरा भाई लियो, अच्छा, हाँ, हाँ उस खुद छुपाया है कुछ। हाँ सो वही है कि चीजें फुली ना डिस्क्लोज करके चीजें छुपा लेना, वैसा मैरिज में होता है, ठीक है। सो आई मतलब जैसे राहु का इन्फ्लुएंस जैसे ही 7th हाउस पे आता है, सो सारी चीजें बता दी, बस ये नहीं बताया कि एक हाथ नहीं है, है ना, कुछ भी ऐसा डिस्क्लोज नहीं करना, कुछ भी ऐसा चीजें छुपा लेना कि डिवोर्स्ड है, ऐसा नहीं बताया, बाद में शादी के बाद पता चल रहा है कि डिवोर्स थी, पहले से कुछ और चल रहा था, या नेटिव डिवोर्स था, या बच्चे थे, ऐसी चीजें तुमको राहु इन 7th हाउस में कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। या फिर फाइनेंशियल चीजों के बड़े प्रोमिसेस हुए हों कि हम आपको BMW दे देंगे, हम आपको मर्सिडीज देंगे, है ना, पता चले शादी के दिन तो कुछ है ही नहीं, तो वैसा कुछ बता देना, ठीक है। ये भी एक, क्योंकि अक्वेरियस और राहु का हमेशा फाइनेंस से बड़ा क्लोज निट है, ठीक है, सो वैसी चीजें होती हैं। अब किसी का मार्स राहु हो जाए, सो कर्ण पट्टी पे लगा के शादी कराना कि चलो मंडप में मार्स राहु दंगे करा करके शादी कराना, ठीक है, नॉर्मल शादी नहीं है मार्स राहु की, फिर बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ ना कुछ दंगे फसाद हो रहे हैं, ठीक है, वैसे तरह कर राहु मार्स राहु का कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है, अडक्शन, लेकिन अबडक्शन जिसे कहते हैं, वैसा चीज करा दे, राहु का इन्फ्लुएंस आना, राहु का इन्फ्लुएंस विल गिव यू, डेफिनेटली गिव यू ह्यूज नेटवर्क, ह्यूज वेल्थ ऑल्सो। राहु इन लिब्रा एक्चुअली विल गिव यू वेरी गुड वेल्थ विदाउट डूइंग एनी वर्क। वो तो बहुत चालबाज है, वो वही है, वो जैसे कहते हैं ना कि राहु का इन्फ्लुएंस 7th हाउस में, बस ऐसा व्यक्ति अगर सही इस तरीके से नेटवर्किंग करे तो नेटवर्क से वो बहुत अच्छा पैसा बना सकता है, जिसे बोलते हैं MLM स्कीम, जिसे बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह से, अपने प्रोडक्ट में शायद उतना दम नहीं होना, लेकिन उसको इस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इस्तेमाल करे वो, कि उससे वो बहुत अच्छा वेल्थ जनरेट कर सके, ठीक है। बट वो ये कि कोई चीज़ अगर सही नहीं है तो फिर बाद में जाके प्रॉब्लम दे सकती है, ठीक है, तो इसलिए मेक श्योर करें कि वो चीज़ें सही भी हों, बट हाँ नेटवर्किंग के रूप में ये इट कैन गिव यू। लिब्रा में राहु कैन ऑल्सो गिव यू लाइक ना, लिब्रा में राहु नहीं तो 1, 3, 9, ये तीनों ही पोजिशन में, 1, 3, 11, 3, 7, 11, ये तीनों प्लेसमेंट जो है वो राहु की जब भी आती है, मैंने देखा है कि अदर कास्ट और अदर रिलीजन में मैरिज होना, या लोअर कास्ट लोअर रिलीजन में मैरिज होना, या मुस्लिम में मैरिज होना, ऐसा भी तुमको देखने को मिलेगा, स्वगोत्र में मैरिज कर लेना, वैसा भी तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राहु का इन्फ्लुएंस जैसे ही आएगा, कुछ ना कुछ अटपटा होना, या कई बार ट्रेडिशनली अपने आप को फॉलो ना करना, ट्रेडिशन को ब्रेक करना, अपने ट्रेडिशन को ना करना, क्योंकि राहु हैज नथिंग टू डू विद योर ट्रेडिशन, वो ब्रेक करना चाहता है, ठीक है, तो वो वाली चीजें आती है। फिर आगे चल करके
संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है। राहु का इस तरह से प्लेसमेंट 7th हाउस में संतान के रूप में दिक्कतें देता है, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम देता है। सैटर्न इन लिब्रा, सैटर्न इन लिब्रा, सैटर्न या केप्रिकॉन का इन्फ्लुएंस आना 7th हाउस में विल गिव यू किडनी स्टोन एज वेल। कि 7th हाउस लिब्रा इज डायरेक्टली लिंक्ड टू लोअर एबडोमेन, किडनी के रीजन से लिंक्ड होना है। ठीक है, दैट इज हाउ राहु। लाहु इन लिब्रा वेरी गुड नेटवर्क, वेरी प्रोमिनेंट ऑल्सो, लॉट ऑफ पीपल विल बी नोइंग ऑल्सो। और किसका था, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। लियो में राहु है इन 7th हाउस, सो अ लॉट ऑफ पीपल नो हिम, अ लॉट ऑफ पीपल नो हिम एंड ही इज फेमस बिकॉज 7th हाउस में लियो भी है, सो ही इज फेमस ऑल्सो वेरी। बट वही कि वो संतान के रूप में अच्छा नहीं किया, मतलब संतान को उतना फेम रिकॉग्निशन वो चीजों के रिगार्डिंग में नहीं दिया जितना अमिताभ बच्चन को मिला। ठीक है, और वाइफ को क्या किया, वाइफ को पॉलिटिक्स में डाला। वाइफ का लियो है ना 7th हाउस में, तो वाइफ इनटू पॉलिटिक्स हो गया, वाइफ का पॉलिटिकल करियर में उनके। ठीक है, बहुत सारा। और इनको इनका नेटवर्क इतना बड़ा है, एंड देन ही डिड अ नेम, इनको कहाँ सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन मिली, केबीसी से, बहुत लंबे लॉन्ग लॉन्ग रनिंग केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, इससे सब लोग उनको और डीपली सबने जाना, दैट इज ऑल। बट वही है, चाइल्ड के लिए ये कॉम्बिनेशन प्रॉब्लमेटिक कहीं ना कहीं कर सकता है, चाइल्ड के ग्रोथ के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए। ठीक है, ये सारी चीज है। केतु इन लिब्रा, केतु और लिब्रा का कोई कनेक्शन है नहीं, समझ रहे, केतु का और लिब्रा का कनेक्शन नहीं है। लिब्रा बैठता है 7th हाउस में, केतु का ओरिजिनल जो उसका सोल डिजायर है इस टू 12th हाउस, 12th हाउस में उसको है, सेजिटेरियस में उसको है। बट केतु का एक नेचर है कि जहां बैठता है वहां पे डिवाइड कर देता है, कट कर देता है, जिस भी प्लेस में बैठेगा वहां पे वो उसके टुकड़े करता है, उसका नेचर है डिवाइड करना, दैट इज हाउ स्कॉर्पियो नेचर इज, स्कॉर्पियो नेचर इज टू डिवाइड। केतु का भी वही नेचर है टू डिवाइड। अब 7th हाउस लिब्रा में जाकर के वो बैठ रहा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दो शादियां देना या दो रिलेशनशिप देना, एक साथ दो पत्नियां रखना है ना, ये चीजें कहीं ना कहीं वो बनाता है। एक चीज हिडन रखना, ये भी कहीं ना कहीं ये बनाता है, केतु इन लिब्रा या केतु इन दिस थिंग 7th हाउस। केतु एक्चुअली में जब भी लिब्रा में जाता है या 7th हाउस जाता है, तो विवाह से व्यक्ति विवाह करना नहीं चाहता, या फिर विवाह हो भी जाए तो विवाह को मानता नहीं है कि ये मेरा विवाह हुआ है। कई कई बार ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे विवाह तो हो गया लेकिन हस्बैंड इज लाइक कि नहीं, मेरी मेरी शादी, मैं तुमसे शादी नहीं मानता। ऐसा होना कब तक नहीं मानता, जब तक संतान ना हो जाए। जब संतान हो जाती, पुत्र हो जाता है, कोई भी बच्चा हो जाता है, तब तक वो मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करता। ये भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है केतु के साथ। केतु के साथ में यही है कि अगेन डुअल रिलेशनशिप देना या रिलेशनशिप में इंटरेस्ट ही ना देना, ऐसा प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति की क्या, अब सिंपल सा लॉजिक है ना, सिंपल समझो, जब भी केतु है 7th हाउस में, राहु कहाँ है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट हाउस में, इसका मतलब उस व्यक्ति का जो मार्शियन नेचर है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, और जो जो ऐसे व्यक्ति का रिलेशनशिप फॉर्मिंग नेचर है, झुक जाने का नेचर है, वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। सो ऐसा व्यक्ति अपने आप को महत्व तो ज्यादा दे रहा है और सारे लोगों को कैसे समझ रहा है, छोटा समझ रहा है, सारे लोग समझ रहे हैं कि ये बेवकूफ है, ये इनको कुछ अक्ल नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत लगा रहा है। राहु हो गया ना लगन पे, तो ऐसा लगा रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, ये सब तो तुच्छ प्राणी है, तुच्छ जीव है मेरे सामने, इनका तो कुछ भी महत्व नहीं है, ऐसा आना लगता है, और इसी की वजह से रिलेशनशिप खराब होता है, क्योंकि सामने वाले को व्यक्ति डिसरेस्पेक्ट करना शुरू कर देता है किसी ना किसी फॉर्म से, फिर या तो फिर उस, और केतु का सबसे बड़ा है कि वो कुटुंब को टारगेट करेगा, कि बोलेगा तुम्हारा तो खानदान बेकार है, तुम्हारा तो परिवार में कोई ये है वो है, सब चीजें करके वो रिलेशनशिप को खराब कर देता है, और फिर ये व्यक्ति दूसरा रिलेशनशिप सीख करता है, दूसरा रिलेशनशिप हो जाते ही फिर तीसरा सीख करता है, सेटिस्फैक्शन नहीं देता है। केतु जहां बैठ रहा है ना वहां पर वो आपको सेटिस्फाई नहीं होने देता, वो आपको कुछ ना कुछ आपको वहां पे डिससेटिस्फैक्शन रखेगा। सो लिब्रा में केतु हो तो या तो पत्नी
का लुक्स खराब कर देगा, है ना, कि पत्नी जिस तरह दिखती है तो फिर आप उसको करवा रहे तुम कितनी बेकार दिखती हो, बेकार हो, ऐसा भी कर देता है। क्योंकि वीनस और केतु का कंजंक्शन विल गिव यू मार्क्स, वीनस केतु, वीनस लिब्रा या टॉरस, जब भी टॉरस में भी केतु होता तभी इट विल गिव यू मार्क्स। कभी जैसे किसी कुछ स्त्रियों को देखा मैंने कि काला कोई स्पॉट आ गया या कुछ मार्क आ गया, चोट का निशान आ गया, कुछ ऐसा भी चीज है, ठीक है, उस वो प्रोमिनेंट होना कि उनकी खूबसूरती घट जाए, ऐसा भी करके देता है सो लिब्रा केतु, ठीक है सर आपकी सो वीडियो में लिब्रा। मैंने सुना, हाँ सॉरी, हाँ बताइए बताइए। आपकी शायद वीडियो में सुना था कि जब केतु होता है सेवेंथ में या लिब्रा में होता है तो उसको रिलेशनशिप में करने का तो होता है, लेकिन पता ही नहीं होता रिलेशनशिप कैसे किया जाए, उसके बारे में पता नहीं होता उसको करेक्ट है, हाँ ये भी एक सिचुएशन है कैसे किया कि जाए। वो संबंध स्थापित करना कैसे है, ये भी उसका उसको नॉलेज नहीं होता है वह, ठीक है, तो वो ब्लाइंडली हर चीज को फॉलो करने की कोशिश करता है, तो ये भी एक वो है। और ऐसे में सेक्सुअलिटी से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा देखे हैं मैंने, है ना, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड इश्यूज भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं चीज़ें वहाँ पर लिब्रा केतु में, ठीक है। और पार्टनर से दूर होने का भी कॉम्बिनेशन है, लाइक पीपल विद लिब्रा केतु आर स्टेइंग अवे फ्रॉम पार्टनर्स, सो लाइक समबडी इज इन टू मरीन, है ना, शिप में है कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे ड्यूरेशन में वो दूर रह रहे, सो ऐसे भी तुमको देखने को मिलते हैं लिब्रा के। तो केतु का, लिब्रा केतु का रिलेशनशिप के रिगार्डिंग में चीजें एक ही है जो ठीक कर सकती है, वो है टू डू मेडिटेशन या फिर स्पिरिचुअलिटी, कोई ना कोई फॉर्म का योग सीखना, योग ध्यान योग करना, वो आपको शांत कर सकती है और आपके रिलेशनशिप को बेटर कर सकती है। क्योंकि केतु जहां है उसको सेटिस्फाई अगर करना है तो आपको स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ शांत होती है या फिर वही चीज़ आपका मिलती है, आपको वो चीज़ प्राप्त होती है, ठीक है। केतु जब भी लिब्रा में है, वीनस केतु है, तो पार्टनर बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव नहीं होता, कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम आती, कम्युनिकेटिव पार्टनर नहीं होता, कम्युनिकेशन का इश्यू हो जाता है, तो समझ नहीं पाता ऐसा व्यक्ति, अपने आप को सामने वाले के जगह पर रख करके देख नहीं पाता है, वीनस केतु का कॉम्बिनेशन या फिर केतु इन लिब्रा। ठीक है, तो ये इश्यू देखने को मिलते हैं। तो ये सर, तुम्हारे ऑल द प्लैनेट्स, ऑल द साइंस में इस तरह से लिब्रा बिहेव करता है, प्लैनेट बिहेव करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि लिब्रा कैसा साइन है, लिब्रा का साइन प्लेसमेंट कैसे कैसे मिला है, लिब्रा की क्या क्या क्वालिटीज हैं, लिब्रा किन चीज़ों को डिनोट करता है, वस्तु को डिनोट करता है, लिब्रा के अंदर जो प्लैनेट बैठेगा उसका डिसीजन मेकिंग कैसा हो जाएगा, लिब्रा के अंदर डिफरेंट प्लैनेट्स का कैसा रोल रहेगा, रिलेशनशिप पे कैसे वो इफेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने उन्हें लिब्रा के अंदर में देखी, ठीक है। नेम और फेम होने के लिए लिब्रा में प्लेनेट होने चाहिए, जिनके चार्ट में लिब्रा में प्लेनेट नहीं होते शायद उसका कुछ इसका फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, नेम फेम के लिए लिब्रा एक्चुअली है, खास है, सेवेंथ हाउस और लिब्रा दोनों ही चीज़ें नेम फेम रिकग्निशन के लिए चाहिए, क्योंकि लियो मिलता है ना, लियो आपको प्राप्त होता है, लियो एक्चुअली में नेम फेम है, नेम फेम रिकग्निशन इज केंद्र इज लियो, लियो को आप इलेवेंथ हाउस में ले लो तब आपको लाभ हो जाए लियो का, या लियो इटसेल्फ मिल जाए, है ना, दोनों ही एस्पेक्ट से नेम फेम रिकग्निशन आता है। सो एक नेम फेम रिकग्निशन लियो का नेम फेम रिकॉग्निशन इज थ्रू सेल्फ, स्वयं के अंदर इतना गुण है, क्वालिटीज है, और लिब्रा का क्वालिटी है इज थ्रू नोइंग पीपल, बहुत सारे लोग जानते रहे ऐसा नेम फेम रिकॉग्निशन हो जाता है।